खुश आमदीद। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप बीएस में कैसे अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट के लिए ज़रूरी होगा कि आप इधर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, ना कि इधर आप दे दें, क्योंकि अभी तक आपने नहीं बनाया है। तो सबसे पहले आप येलो पे क्लिक करें, क्रिएट अकाउंट के ऊपर। अभी हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर आए हैं और इधर हम अभी अपना इंफॉर्मेशन देंगे। अजीज़ तो मैंने इधर अपना ईमेल दिया, इसके बाद फिर मैं इधर अपना पासवर्ड देता हूँ। इसी तरह इधर दोबारा वही पासवर्ड दूंगा। इसके बाद फिर मैं ये वर्ड लिंक लिखूँगा, जी एम कैपिटल एच आर कैपिटल एल एन वाई, और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा क्रिएट ये कह रहा है कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन टू प्रोसीड। ये कह रहा है कि आपकी अकाउंट बन गया। अभी इधर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, जैसे कि आपको इधर ऊपर नज़र आ रहा है। तो लॉगिन के क्लिक के बाद फिर इधर आ जाएगा ईमेल, मैंने ले लिया @gmail.com। इसी तरह मैं इधर अपना ये दे दूँगा, इसके बाद फिर मैं इसको लॉगिन करूँगा। ये अभी मेरा अकाउंट खुल गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये इधर कह रहे हैं प्रोग्राम अप्लाई, तो अभी इधर मैं अब प्रोग्राम को सेलेक्ट करूँगा। आपने इधर क्लिक करना है अंडर ग्रेजुएट, आपने इधर क्लिक करना है सेलेक्ट प्रोग्राम पे करना है कि आपने कौन से प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। सही है, तो आप इधर इस तरह करें टू अप्लाई फॉर मोर प्रोग्राम हेयर, आप इसको ओपन करें येलो को। ओपन के बाद फिर आपकी इधर आपने इस फॉर्म को फिल करना है, आपने जो डिग्री ली है, जो चीज़ आपने लिए है वो फिल करें। इसी तरह मैं जैसे फिल कर रहा हूँ। अच्छा, इधर आपसे अपना ना आप इधर अपना पिक्चर भी सेव कर सकते हो। इधर आप इस तरह करें कि ये अभी तक आपने 0% अपनी फॉर्म को सबमिट की है। इधर आप डिग्री का नाम दे लें, और अगर डिग्री नहीं तो फिर आप डिप्लोमा भी लिख सकते हो। डिग्री चाहे डिग्री लेवल पर आप लिखें, हायर सेकेंडरी APSC मैंने की है, जनरल साइंस में की है, इधर BSc वरदान से की है। तो ये मैंने फिल किया। नीचे आऊँगा तो नीचे ये मार्क्स पूछ रहा है, तो ये मार्क्स आप फिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो लिख रहे हो वो सब कुछ आप इधर करें। इसी तरह ग्रेड करें, ग्रेड लेके इधर मार्क्स, सही है, इधर टोटल मार्क्स लिखें, इधर ऑप्टेन मार्क्स लिखें, और इसी तरह आप अपनी इसको सेव करें। तो ये सेव हो गया, स्टार्ट योर, ये स्टार्ट हो गया। अभी ये एक सेव हो गया, अभी आप इस दूसरे को फिल करें। एट द एंड आप बहुत से इसको, तो आप इसी तरह इस सब को डेटा को फिल करें। इसके बाद फिर आप इधर इस पर क्लिक करें तो आपको ये सबमिट हो जाएगा और आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएं। तो इसके ज़रिए आप आसानी अप्लाई कर सकते हो, जैसे को मैंने आपको दिखाया।